तारीख थी 23 जून 1980, समय था सुबह 7:58। ठीक इसी वक्त दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से एक विमान ने टेक ऑफ किया, लेकिन उड़ान भरने के 12 मिनट बाद ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया और इस तरह देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे लाल यानी कि संजय गांधी ने अपनी जान गंवा दी। आज उनकी 43वीं पुण्यतिथि है और हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। 14 दिसंबर 1946 को जन्मे संजय गांधी के निधन से पहले यही माना जाता था कि इंदिरा गांधी के बाद परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालेंगे और भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। संजय गांधी राजनीति में काफी एक्टिव भी थे। 1970 में वो भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और 1980 तक देश की राजनीति में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। मारुति 800 को भारत में लाने का श्रेय भी संजय गांधी को जाता है। 4 जून 1971 को मारुति मोटर्स लिमिटेड कंपनी का गठन किया गया था। इस कंपनी के पहले MD संजय गांधी ही थे। संजय गांधी की दिलचस्पी स्पोर्ट्स कारों में भी थी। उन्हें विमान उड़ाने का भी शौक था। उनके पास पायलट लाइसेंस था और उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्रोबैटिक्स में कई इनाम भी जीते थे। हालांकि इन सब से अलग आपातकाल और उस दौर में नसबंदी जैसे फैसलों को लेकर भी लोग संजय गांधी को याद करते हैं। संजय गांधी के राजनीतिक सफर की बात करें तो मार्च 1977 में संजय गांधी अमेठी से पहली बार चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता कांग्रेस से नाराज थी और यही वजह थी कि जनता ने उन्हें नकार दिया। हालांकि जनवरी 1980 में हुए आम चुनाव में उन्होंने अमेठी से ही जीत भी हासिल की। संजय गांधी की निजी जिंदगी की बात करें तो संजय गांधी की शादी 23 दिसंबर 1974 को लेफ्टिनेंट कर्नल तरलोचन सिंह की बेटी मेनका से हुई थी। संजय गांधी मेनका से उम्र में 10 साल बड़े थे। दुर्भाग्य से शादी के 5.5 साल बाद ही संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो गई। 23 जून की सुबह जब दिल्ली फ्लाइंग क्लब से संजय गांधी ने विमान में उड़ान भरी तो उनके साथ क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी थे। बताया जाता है कि विमान के इंजन में खराबी की वजह से ये हादसा हुआ था, जिसके चलते हवा में कलाबाजियां दिखा रहा विमान अशोक होटल के पीछे खाली जमीन पर जा गिरा और इस हादसे में संजय गांधी और सुभाष सक्सेना दोनों की मौत हो गई। इस तरह संजय गांधी के शौक ने ही उनकी जान ले ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।